Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 15th October of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। पहला क्वेश्चन आता है कि NIA कब फॉर्म किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब फॉर्म की गई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है CPCB कब फॉर्म किया गया था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फॉर्म किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई डाउट हो या कोई आपको बात पूछनी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन R247, ये जो क्वेश्चन R247 देखा है आप, इस लोगो के साथ ये जो लोगो दिया है इसको देख के आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, वहाँ से आप क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे, जो हम बात करते हैं सारे PDF नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। साथ ही साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्या कहते हैं जो इंफॉर्मेशन आती रहती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। ये क्या कहते हैं आप अपने नोट्स में जोड़ने के लिए, जैसे ये एंटी रेडिएशन मिसाइल ड्राम जो भी लॉन्च हुआ इंडिया के द्वारा, तो पहला मिसाइल इस तरह का, तो इस तरह की न्यूज़ भी मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जो क्या कहते हैं ऐसे एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको ऐसे लिखना होगा और क्या कोई कांटेक्ट करना हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन जाननी हो कैसे होगा ऐसे ये सब, तो आप इस पे क्वेश्चन R247 ये जो ये यहाँ पे लिंक ब्लिंक हो रहा है इस पर आप टैग करके आप मुझे पिंग भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है 16 किल्ड आफ्टर ओवरनाइट रेन रीक्स हैवॉक इन हैदराबाद, की कहते हैं कि ओवरनाइट रेन के कारण जो सिटी मैरून आफ्टर रोड टू एयरपोर्ट गेट्स वॉश अवे, कि रोड टू एयरपोर्ट एक रोड जो थी क्या कहते हैं वो वॉश अवे हो गई, जिसके कारण 16 लोग मरे हैं। क्या कहते हैं ओवरनाइट जो रेन हुई क्या कहते हैं हैदराबाद में, उसके कारण कुछ जगहों पर जो रोड थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई, इसमें वही बात की गई। इसमें कहा गया है कि एज मैंने 16 पीपल लॉस्ट की अपनी लाइफ रेन के कारण, जो क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा बहुत लार्ज अमाउंट में रेन हुई वहाँ पे, तो इसमें वही बात की गई। विद द लेटेस्ट डेथ्स द टोल टिल वेडनेसडे नाइट रोज टू 24, की वेडनेसडे नाइट तक 24 लोग काउंट हो चुके हैं कि जिनकी डेथ हो चुकी है इस रेन के कारण, ऐसा इसमें बताया गया है। क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कहीं कहीं रोड भी कोलैप्स कर गई है, जो रोड क्या कहते हैं एयरपोर्ट जाती थी वो भी क्या कहते हैं कोलैप्स कर गई, तो इसके कारण क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। इसमें ये भी कहा गया दिस प्रॉम्प्टेड द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स द आर्मी एंड द स्टेट पुलिस टू रेस्क्यू द अफेक्टेड पीपल फ्रॉम द इन अनडेटेड एरिया, कि कहते जो एरिया इफेक्टेड था उससे लोग बचाने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आई है, आर्मी है, स्टेट पुलिस है, लोगों को बचाने के लिए जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ से। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है ये नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ये एक फोर्स है जो 12 बटालियन विथ 11,049 पर्सन ईज डेडिकेटेड फॉर रेस्क्यूइंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जब भी कोई नेचुरल या ह्यूमन मेन डिजास्टर आता है तो उनको बचाने के लिए लोगों को उससे, तो क्या कहते हैं ये बटालियन जो 12 बटालियन है क्या कहते हैं इसकी वो वर्क करती है लोगों को बचाने के लिए। आउट ऑफ 12 बटालियन 3 ईच फ्रॉम BSF एंड CRPF, क्या कहते हैं जो थ्री दोनों तीन तीन क्या कहते हैं BSF की तीन है, तीन CRPF की उसमें है, और दो CISF, IDPP और SSB की भी उसमें बटालियन है। ईच बटालियन में 18 सेल्फ कंटेन स्पेशलिस्ट होते हैं, रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम्स और 45 पर्सनल ईच, कहते हैं 45 क्या कहते हैं इसमें 18 सेल्फ कंटेन स्पेशलिस्ट रिसर्च होते हैं, 45 टोटल होते हैं मेंबर्स, इसमें इंक्लूड करते हैं इंजीनियर्स हो गए, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियन, डॉग स्क्वाड, मेडिकल पैरामेडिक्स, ये सब होते हैं। ये वर्क करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है लोन बोरोवर्स दीपावली इज इन योर हैंड, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर, क्या कहते हैं इसमें कहा गया है कि लोन बोरोवर्स जो हैं उनकी दीपावली पूरी तरह से सेंटर के ऊपर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कि जैसे हमने देखा इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और मेडनेस ने कहा कि आप वेट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वेट कर सकती है 15 नवंबर तक टू नोटिफाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्कीम फॉर वेविंग द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम अगेंस्ट लोन्स वर्थ अप टू 2 करोड़, जो 2 करोड़ का लोन है उसको चुकाने के लिए 15 नवंबर तक आप वेट कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो क्या कहते हैं लोग ही जो लोन वाले लोग हैं लोन मोरेटोरियम वाले उनकी पूरी तरह से आपकी उनकी दीपावली आपके ऊपर है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 14 नवंबर को दीपावली है और 15 तक आपको क्या कहते हैं समय दिया गया है,
तो उसमें वही बात की गई है। जो वेवियर स्कीम होगी वो प्रपोज होगी 8 डिफरेंट कैटेगरीज में, इंक्लूडिंग एमएसएमईज और एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्रेडिबिलिटी, ऑटो पर्सनल एंड कंजप्शन लोन्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हैड टर्म द सेंटर्स सॉल्व एज एडिशनल रिलीफ ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस फाइनेंस डिस्ट्रेस अमंग बोरोवर्स की। इसको सेंटर का जो ये रिजॉल्व कहा है उसको आरबीआई ने एक एडिशनल रिलीफ बताया पेंडेमिक इंड्यूस फाइनेंस डिस्ट्रेस अमंग बोरोवर्स के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एचसी नोटिस टू सेंटर ऑन सेम सेक्स कपल्स प्ली। क्या कहते हैं, हाई कोर्ट ने सेंटर को सेम सेक्स कपल्स प्ली के लिए कहते हैं कहा है। इसमें कहा गया है पिटीशन जो फाइल हुई है वो कहती है कि स्पेशल मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होते हैं रिगार्डलेस ऑफ जेंडर की। कहते हैं वो जेंडर के ऊपर नहीं है कि सिर्फ कि बॉय गर्ल हो तभी कहते हैं ये स्पेशल मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट लगेंगे, अगर सेम जेंडर हो तब भी ये लगनी चाहिए, ऐसा इस पिटीशन में बताया गया कहा गया। तो इस पे क्या कहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑन वेडनेसडे कहा कि यूनियन गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू टू सेपरेट पिटीशन, जैसे एक सेम सेक्स कपल सीकिंग टू डिक्लेयर द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड द फॉरेन मैरिज एक्ट आउट टू अप्लाई टू ऑल कपल्स, कि ये हर कपल्स के लिए वो लगना चाहिए, जेंडर के ऊपर क्या कहते हैं सेक्शुअल ओरिएंटेशन के उस पर अलग अलग नहीं लगना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आता है क्या कहते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है इसको हम लोग बात कर लेते हैं। इस पेटिशन में कहा गया है कि जेंडर के हिसाब से आप कहते हैं कोई भी एक्ट क्या कहते हैं जेंडर के हिसाब से आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते कि सेम जेंडर हुआ तो नहीं लगेगा और डिफरेंट जेंडर हुआ तो लगेगा। तो इस तरह से इस प्ली में कहा गया है ऐसा क्या कहते हैं कि इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दो लोगों ने एक प्ली है मैन क्या कहते हैं दो का एक दो कपल है, एक कपल है क्या कहते हैं जिसमें दो दोनों वुमेन हैं जो कई सालों से साथ में रह रही, उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया। उसी तरह दो मैन हैं उन्होंने भी ये पेटिशन फाइल की कि वो कई दिनों क्या कहते हैं उन्होंने शादी भी की थी यूनाइटेड स्टेट में, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके ऊपर फॉरेन मैरिज एक्ट नहीं लगा। उनका कहा गया कि सेम जेंडर थे, सेम सेक्स मैरिज क्या कहते हैं यहाँ पे अलाउड नहीं है फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट को पहले। स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 क्या कहते हैं, ये अलाउ करता है सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिजेस विदाउट गोइंग एनी थ्रू रिलीजियस कस्टम रिचुअल्स। ये अलाउ करता है मैरिजेस को विदाउट कोई रिलीजियस या रिचुअल्स के। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट और रिलीजन और स्टेट गेट मैरिज ड्यूरिंग अंडर एसएमए, कि कहते हैं जो डिफरेंट कास्ट के या डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं तो वो मैरिज अपनी करते हैं जो वो एसएमए के अंदर ही करते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, जिसमें इन विच मैरिज इज सोलमनाइज बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि मैरिज इसमें एक टाइप की रजिस्ट्रेशन के रूप में होती है। प्राइम पर्पस क्या है इसका, टू एड्रेस इंटर रिलीजियस मैरिजेस, की इंटर रिलीजियस मैरिज को बढ़ावा देना। इस्टेब्लिश मैरिज एज अ सेकुलर इंस्टीट्यूशन, कि कोई रिलीजियस फॉर्मेलिटी ना हो, कि रिलीजन पे क्या कहते हैं भरोसा ना हो कि सेम रिलीजन हो तभी आप मैरिज कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप डिफरेंट रिलीजन हो डिफरेंट कास्ट हो तब भी मैरिज हो सकती है। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 में आता है, एक टाइप का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होता है उसे ही स्पेशल मैरिज एक्ट कहा जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है बैन ऑन डीजल जनरेटर्स इन एनसीआई फ्रॉम टुडे, कि एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली एंड गुरुग्राम इंप्रूव स्लाइटली बट कंटिन्यूस रिमेनिंग पुअर कैटेगरी अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी डाटा, कि जो एयर क्वालिटी दिल्ली और गुरुग्राम की वो थोड़ी सी इंप्रूव की है लेकिन अभी भी वो पुअर कैटेगरी में, ऐसा इसमें कहा गया। तो जो डीजल जनरेटर्स हैं एनसीआर में उनको बैन कर दिया गया है आज के लिए, इसमें वही बात की गई। इसमें कहा गया है जो एयर क्वालिटी है दिल्ली गुरुग्राम की और नोएडा की वो थोड़ी इम्प्रूव तो की है लेकिन वो अभी भी पुअर कैटेगरी में है, ऐसा सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके डाटा में ऐसा बताया गया। तो उसके लिए ही एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही बैन किया गया है डीजल जनरेटर्स को एक्सेप्ट फॉर एमरजेंसी पर्पज़, की कोई एमरजेंसी पर्पज़ के बिना आप क्या कहते हैं अगर नहीं है तो आप कहते हैं डीजल जनरेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसा इसमें कहा गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था सितंबर 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत। इट वॉज इंटरेस्टेड विद द पावर एंड फंक्शन, ये इसके अंदर जो पावर ऑफ फंक्शन है वो अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के द्वारा बताई गई थी। ये सर्व करता है एज अ फील्ड फॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ क्या कहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ये क्या कहते हैं अपनी जो इसके फॉर्मेशन है फील्ड फॉर्मेशन या टेक्निकल सर्विसेज है वो बताता है।
इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है? टू प्रोमोट क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट, की क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स या वेल्स को क्लीन जहाँ पे डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट में प्रोवाइड करना, बाय प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन को इम्प्रूव करके, क्वालिटी ऑफ एयर को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करना, टू प्रिवेंट कंट्रोल एंड अबेट एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री के लिए वर्क करना, इस पर ये वर्क करता है। इसमें आता है सफ़र भी एक आता है, सफ़र जो दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त ऑर्गेनाइज चल रहा है, कहते हैं ये जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग सफ़र, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं अलग से क्या है ये सफ़र। GS पेपर 3 इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। ये जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च जो है सफ़र, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, कि एयर क्वालिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज का मेज़र करना, कि कहाँ पे ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल क्या है, कहाँ पे किस सिटी में एयर क्वालिटी कैसी है, इसको चेक करना। ये सिस्टम इंडिजिनसली डेवलप किया है गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा पुणे में। ये ऑपरेशनलाइज है बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। ये एक जायंट ट्रू कलर LED डिस्प्ले है जिसमें रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स बताते हैं 24 घंटे ऑन द बेसिस, क्या कहते हैं कि विथ कलर कोडिंग जिससे अलॉन्ग विद 72 आवर्स एडवांस फोरकास्ट। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि अवेयरनेस फैलाना जनरल पब्लिक के बीच में एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी के बारे में। ये अवेयरनेस ड्राइव भी बनाता है करता है जिससे एजुकेट कर सके पब्लिक को, प्रोमोटिंग सेल्फ मिटिगेशन। ये पॉलिसी मेकर्स भी है डिफरेंट मिटिगेशन क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज के लिए। ये एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियाज एयर क्वालिटी ईयरली अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो ऑपरेशनल है दिल्ली में। ये पॉल्यूटेंस जैसे मॉनिटर करता है, जैसे PM2.5 हो गया, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलुइन, ज़ाइलीन, मरकरी, इन सबकी ये सारे जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको मेजर करता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ही इसे और रिकॉग्नाइज किया है सफ़र एज अ प्रोटोटाइप एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड मेजर्स। कहते हैं सफ़र सिस्टम को बेनिफिट कॉस्ट सेविंग, ये बेनिफिट करेगा कॉस्ट सेविंग टू सेवरल अदर फैक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, इन सबको प्रोमोट करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल आता है इंटेम्परेट लेटर। इसमें बताया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज कम्युनलाइजिंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक। क्या कहते हैं कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वो पूरी तरह से कम्युनलाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट का, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है पेंडेमिक के तहत उसको उन्होंने कम्युनलाइज पूरी तरह से किया है। इसमें पूर्व में वही बताया गया है कि महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने एक इंटेम्परेट लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को, कि उन्होंने मॉक किया लेटर में कि जैसे उन्होंने कहा कि आपने जो अर्ली रीओपनिंग ऑफ टेम्पल्स था उसको रोक दिया है, आपने कई तरह के डिसीजन लिए हैं, पूरी तरह से आप सेकुलरिज्म नहीं है, इस तरह से पूरी तरह से वो उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा जैसे कि आर गॉड्स एंड गॉडेस हैव बीन कंडेम टू रिमेन इन लॉकडाउन, की हमारे जो भगवान है वो अभी भी लॉकडाउन में है, पूरे देश में खुल गया, आप सेकुलर नहीं है, इस तरह की उन्होंने कई बातें की। उन्होंने ये भी कहा स्ट्रांग वोटरी ऑफ हिंदुत्व, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कि हिंदुत्व को थोड़ा स्ट्रांग वोटरी किया है, ऐसा उन्होंने कहा कि वो खुद गए थे टेम्पल्स एज अ प्रूफ कि अभी भी टेम्पल्स खुले नहीं हैं, तो ऐसा उन्होंने कहा कि आप पैंडेमिक में अभी भी आप भगवान टेम्पल्स नहीं खोल रहे हैं तो लोगों की श्रद्धा ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कई बातें की हैं। तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई है। लास्ट में इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र इस वक्त सबसे बड़ी बैटल लड़ रहा है COVID-19 के खिलाफ, क्योंकि हमने देखा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, तो इस तरह के पॉलिटिकल कंसिड्रेशन डैमेज ही करेंगे और कोई कम्युनल वन विल और भी ज़्यादा डैमेज करेगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट गवर्नर इस तरह के जो स्टेटमेंट दे रहा है तो पूरी तरह से गलत है। इसमें ये भी लिखा है ही मस्ट रिट्रीट एंड लेट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टेक डिसीजन दैट डेट कंसिडर अप्रोप्रिएट एंड टाइमली, कि जो चीफ मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले जो अप्रोप्रिएट हो और टाइम के हिसाब से जो ज़रूरत हो तभी उसे कहते हैं इम्प्लीमेंट किया जाए, तभी ये इस तरह की सिचुएशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे, इसमें यही बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है अ वीक लिंक इन द एलिमेंट्री एजुकेशन चेन, कि एक वीक लिंक क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन चेन में, इसमें वही बात की गई है कि इंडिया इग्नोर कर रहा है नेसेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मैनी एन जी ओज इंगेज इन एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, कि जो कई एन जी ओज जो होते हैं जो इम्प्रूव करने के लिए बात कर रहे हैं एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, उसमें इसमें पूरे में एडिटोरियल में यही बात की है। इसमें कहा गया कि हमने कई डिकेट से देखा है कि लार्ज नंबर ऑफ जो एनजीओज होते हैं वो इंटेंसली इंगेज होते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए,
जैसे कई रिपोर्ट में बताया गया, जैसे जो इसमें बताया गया 3 मिलियन जो पेड वर्कर्स इन द वॉलेंटरी सेक्टर 1.2 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन में थे वो इस कोरोना वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए। तो इसके कारण इंडिया हैज़ 31 लाख NGOs हैं जिसमें से मोर देन डबल द नंबर ऑफ स्कूल, जो जितने स्कूल हैं इंडिया में उसका डबल NGOs है इंडिया में। तो क्या कहते हैं तब भी क्या कहते हैं अभी भी हर कोई क्या कहते हैं हर बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो NGOs वर्क करते कहाँ है, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। इस ट्यूटोरियल में ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ है बीच में। तो इसमें कहा गया है कि इतने डबल द नंबर NGOs है तो ये कुछ जाता कहाँ है, क्या कहते हैं NGOs कहाँ बच्चों को कैसे आप एजुकेट कर रहे हैं। इसमें ये भी कहा गया है मोर देन 12 लाख NGO वर्कर्स जो है वो एजुकेट इंगेज इन एजुकेशन इवन इफ देयर कुड बी ओनली 50% ऑफ देम इन स्कूल एजुकेशन, कि स्कूल एजुकेशन और जो रिमाइंडर है वो पूरी तरह से NGO स्टाफ वर्क करता है, लेकिन कुछ NGO जो इसमें डबल द नंबर बताए गए हैं जो इतने NGOs हैं कुछ NGOs इसमें से बंद हो चुके हैं। इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल दैट दीज वर्कर्स आर इंगेज इन डायरेक्ट टीचिंग इन क्लासरूम, कि ये पूरी तरह से डायरेक्ट टीचिंग क्लासरूम में जो होते हैं वो पूरी तरह से इंगेज हों, डेमोन्स्ट्रेटिंग वेरियस एक्टिविटीज़ का ये वेरियस एक्टिविटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करें। तो इस तरह की इसमें बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया जो 4 डॉक्यूमेंट करेंटली प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ कम प्रिंसिपल गाइडलाइंस और लीगल स्टिपुलेशन जो डील करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 RTE के तहत, और क्या कहते हैं नेशनल सरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एजुकेशन 2009, और जो नई अभी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इन 4 डॉक्यूमेंट्स के तहत इनके में जो गाइडलाइंस दिए गए हैं या प्रिंसिपल जो दिए गए उनके तहत ही सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इसमें ये भी कहा है नीड फॉर डीप साइंस, की कहते हैं क्या नीड है इस वक्त, इट सीम ब्रिंगिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाना एक कोई सिंपल टास्क नहीं है, बहुत बड़ा वर्क है और हार्ड वर्क और इंटरेक्शन विद द टीचर्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि अंडरस्टैंडिंग एजुकेट पार्ट ऑफ दिस एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर सरिकुलम, की कहते हैं कि जो करिकुलम होता है उसको इम्प्लीकेट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एट लास्ट इसमें कहा गया कि NGOs वर्क तो कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि नॉट डू यूनिवर्सिटियाँ चीज टीचर एजुकेशन जो होता है कॉलेजेस सीम टू बी ऑफरिंग एनी शॉर्ट टर्म या डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज इस सेक्टर में, कि जिससे वो इम्प्रूव कर सके NEP को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्रूव कर सके। इसमें वही बात की गई है, इसमें यही कहा गया है कि विद विदाउट एडुकेट प्रिपरेशन की एजेप्शन डेट द मेयर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन इन एन NGO एंड बींग प्लेस्ड इन द फील्ड विद ऑटोमेटिकली डेवलप द कैपेबिलिटीज ऑफ दिस वर्कर इज इन करेक्ट एंड इस केस ऑफ सीर इनजस्टिस टू दैम टू द एजुकेशन सिस्टम एंड टू चिल्ड्रेन स्कूल, कि जो कोई भी आप किसी को भी अपॉइंट कर देंगे अगर NGO में, क्या कहते हैं फील्ड वर्क के लिए एजुकेशन, क्या कहते हैं एजुकेशन इंगेजमेंट विद द स्टूडेंट्स के लिए कि एजुकेट करना लोगों को इसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो इससे आप हर किसी को आप वो नहीं कर सकता, उसके लिए आपको एक तरह का प्रोग्राम चलाना होगा कि उसको समझ में आए कैसे करना है, तभी आप इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें यही पूर्व में यही बात की गई। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है लेबर्स डाटा लॉस्ट, कि गवर्नमेंट टेंडेंसी टू बी ओपेक एंड ब्लेम स्टेट इज़ नॉट न्यू, कि गवर्नमेंट की जो टेंडेंसी है पूरी तरह से ओपेक है हमेशा से, पूरी तरह से सबने देखी है इस बार कि पूरी तरह से स्टेट्स को ब्लेम करना ये नया नहीं है, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। कि लास्ट मंथ से हमने देखा कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड सोशल सिक्योरिटी जो कोड है ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन या कोड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पास किया गया था पार्लियामेंट में ऑन अ लिटिल डिबेट, कि अगस्त 2019 में हमने देखा था जो कोड ऑन वेजेस पास किया गया था उसमें 4 कोड टुगेदर समन मोर देन 40 लेबर लॉस, कि उसमें खुद समन करते थे, उसमें थे क्या कहते हैं सब क्या कहते हैं 40 लेबर लॉस उसमें मेंशन थे। तो फिर से प्रोग्राम लाना, और जैसे हमने देखा कि जो इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स, इस तरह के लेइंग डाउन एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज प्रोग्राम स्कीम प्रोजेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स, ये पूरी तरह से आपके अंदर इस तरह की सेक्टर नहीं ला पाएंगे। फर्दर नियरली 50 करोड़ जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं इंडिया में वो कोर्ट्स इन तरह के एक एक जो कोर्ट्स या प्रिंसिपल गाइडलाइंस है ये तरह का क्रूअल जोक है उनके ऊपर। इस लार्जेस्ट क्राइसिस में जो वर्कर्स ने झेली है और जो झेल रहे हैं उसमें वही बात की गई। इसमें यह भी कहा गया कि हमने देखा है कि अबाउट 14 करोड़ माइग्रेंट्स जो है उनमें से जो हाफ ऑफ होम आर इंटर स्टेट वर्कर्स, जो दूसरे स्टेट में जाके वर्क करते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 50% ऑफ जो GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स थे क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट टू 6% ऑफ द GDP, जो मेजोर
तो मेजोरिटी ऑफ द इंटर स्टेट लेबर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और इंगेज है कैजुअल लेबर में विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल बिल्डिंग एंड इंक्रीज वेजेस के लिए। तो इसमें वही कहा गया कि एक अर्जेंट नीड है इस वक्त कि एक्सेस करना बेटर एक्सेस द कैपेबिलिटीज एंड इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर एज वेल, कि हमें उनकी कैपेबिलिटीज़ को जानना और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना जिससे वो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो माइग्रेंट्स हैं वो भी इम्प्रूव कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।